चुड़ैल चाची। वो अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी एक भयानक चुड़ैल छत पर दो बच्चों के साथ खेल रही होती है। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम पिंकी। वो दोनों बच्चे उस चुड़ैल के साथ बहुत खुशी से खेल रहे होते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। तभी राजू चुड़ैल से कहता है, चाची आप मुझे बहुत याद आती हो, आप हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए बस तुम मुझे याद कर लिया करो। ये लो दोनों आइसक्रीम खाओ और आइसक्रीम खाकर नीचे मम्मी के पास चले जाना। चुड़ैल उन्हें छत से नीचे भेज देती है और वहां से गायब हो जाती है। राजू और पिंकी आइसक्रीम खाते खाते अपनी माँ महिमा के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ देखो आज भी चाची जी हमें आइसक्रीम देकर गई हैं, बहुत टेस्टी है, आप भी टेस्ट करना चाहोगी? बेटा तुम बार बार उस औरत को क्यों याद करती रहती हो, वो मर चुकी है, वो तुम्हें ये आइसक्रीम कहाँ से लाकर देगी? नहीं माँ, चाची जिंदा है और हम उनसे रोज बात करते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। वो हमसे बहुत प्यार करती है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगी, अब लाओ तुम दोनों ये आइसक्रीम मुझे दो। महिमा राजू और पिंकी से आइसक्रीम छीन लेती है और उन्हें घर के बाहर कूड़े में डालने जाती है। जैसे ही वो कूड़े तक पहुंचती है, आइसक्रीम मरे हुए इंसान की हड्डी में बदल जाती है, जिन्हें देखकर महिमा बहुत डर जाती है और तुरंत उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन महिमा अपने पति राजेश से कहती है, सुनिए जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल रात तो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। राजू और पिंकी दो आइसक्रीम लेकर आए थे, मैंने उन आइसक्रीम को कूड़े के डस्टबिन में फेंकने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें फेंकने जा रही थी वो हड्डियों में बदल गई। क्या यार महिमा हद होती है, तुम्हें इन फालतू की बातों पर इतना विश्वास क्यों होता है? भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम बस इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा लो, बेकार में वहम करती रहती हो। राजेश उसकी एक नहीं मानता और अपने काम पर चला जाता है। बेचारी महिमा पूरे दिन ये सब सोचकर परेशान रहती है। तभी राजू और पिंकी अपने स्कूल से वापस आ जाते हैं और अपनी माँ महिमा के पास आकर कहते हैं, माँ आज हमें बहुत मजा आया, पता है आपको हमारी चाची ने हमें झूले वाले पार्क में ढेर सारे झूले झुलाए थे। हाँ हाँ माँ, और चाची ने हम दोनों को मैकडोनल्ड का पिज्जा भी खिलाया था, हम दोनों ने पेट भर के पिज्जा खाया, हम दोनों को बहुत मजा आया। अरे बच्चों तुम दोनों रोज रोज अपनी चाची की बात क्यों करते हो? तुम्हारी चाची मर चुकी है, वो यहाँ से जा चुकी है। अब अगर दोबारा तुमने मेरे सामने अपनी चाची का नाम लिया तो मैं तुम दोनों की बहुत पिटाई लगाऊंगी। महिमा की डांट फटकार सुनकर दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिमा को ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके बच्चे बार बार उनकी मरी हुई चाची के बारे में क्यों बात करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन राजू और पिंकी दोनों अपने माता पिता के सोने के बाद छत पर चले जाते हैं, जिसके बाद छत पर वो अपनी चुड़ैल चाची से मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों तुम कितने प्यारे हो, आज मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग खिलौने लेकर आई हूँ, ये लो इनके साथ खेलो। चाची आप बहुत अच्छी हो और हमसे बहुत प्यार करती हो, माँ तो हर रोज डांटती ही रहती है। कोई नहीं बच्चों, मैं तुम्हें रोज यहाँ खेलने बुला लिया करूँगी और तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने ला कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम अपनी माँ से मेरे बारे में बात मत किया करो। चुड़ैल चाची की बात सुनकर वो दोनों छत पर अपने अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं, जिसके बाद महिमा की अचानक से नींद खुल जाती है और वो अपने बच्चों को देखने के लिए उनके कमरे में जाती है। अरे ये दोनों बच्चे कहाँ गए, इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं? ये सोचकर महिमा अपने पति राजेश के पास जाती है, जिसके बाद वो राजेश को नींद से जगा कर कहती है, सुनिए जी उठिए ना, देखो राजू और पिंकी अपने कमरे में नहीं है, ऊपर से आधी रात हो गई है, पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ गए। अरे क्या महिमा क्यों परेशान कर रही हो, सोने दो मुझे, देख लो बच्चे यहीं कहीं होंगे। ये कहकर राजेश सो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ महिमा को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है। इसीलिए वो उन्हें ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंच जाती है, जहां वो अपनी देवरानी रागिनी को छत पर अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है। अरे, ये तो रागिनी की चुड़ैल है। हे भगवान, ये मेरे बच्चों के साथ क्या कर रही है? बेचारी महिमा चुड़ैल को देखकर वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसे बेहोश देख लेती है और बच्चों से कहती है, बच्चों चलो हमारे खेलने का समय समाप्त हो गया है, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी को उनके कमरे तक छोड़ आती हूँ। ये कहकर वो बच्चों को उनके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद चुड़ैल महिमा के पास आती है जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। लगता है जेठानी को मेरे बारे में पता चल गया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही महिमा को होश आता है, वो उठते ही भागते हुए राजेश के पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए जी, हमारे घर में एक चुड़ैल है जो हमारे बच्चे से बात करती है, और वो चुड़ैल कोई और नहीं रागिनी है। कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, आखिर तुम क्या चाहती हो? दोबारा मेरे सामने भूत और चुड़ैल का नाम लिया ना, तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी तुम? अजी, मुझे सब याद है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से चुड़ैल को हमारे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। बस करो महिमा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये कहकर राजेश ड्यूटी के लिए निकल जाता है, लेकिन अब महिमा बहुत डर जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और वो अपने बच्चों को ऐसे खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो उसी दिन रात के समय एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों की जिंदगी खतरे में है। तांत्रिक बाबा महिमा से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है, जिसके बाद महिमा उसे रागिनी चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप करता है और महिमा से कहता है, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, वो रागिनी की ही आत्मा है जो तुम्हारे बच्चों से बात कर रही है और उन्हें खिलौने दे रही है। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि वो क्यों मरी थी, उसकी मृत्यु क्यों हुई थी? बाबा एक दिन की बात है, मेरे दोनों बच्चे रागिनी के साथ स्कूल से वापस घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक बहुत तेज कार आ रही थी, उस कार से मेरे दोनों बच्चों की टक्कर होने वाली थी, लेकिन अचानक से रागिनी ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसके बाद रागिनी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो उसी समय मर गई। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। रागिनी मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो चुड़ैल बनकर मेरे बच्चों को क्यों परेशान कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रागिनी तुम्हारे बच्चों से केवल प्यार करती है, इसलिए वो उनसे रोज मिलने आ जाती है, वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी बहुत जरूरी है। उसी दिन रात को तांत्रिक बाबा महिमा की छत पर एक हवन करता है कि तभी वहाँ रागिनी की चुड़ैल प्रकट हो जाती है और तांत्रिक से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे इन बच्चों से दूर क्यों कर रहे हो? देखो तुम्हें जितना रहना था तुम रह चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, अपने बच्चों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ही कमजोर पड़ जाती है और तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल को आहुति दे देते हैं, जिसके बाद उसे वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद महिमा अपने दोनों बच्चे राजू और पिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।